तो ये अलग अलग पेड़ों से जो लिए गए हैं वो शहद है। अगर हम शहद की बात करें, प्राइस क्या रहता है आपका? यहाँ प्राइस ये है कि जो ये हमारे 600 ग्राम का पैक है यूकेलिप्टस का, जी जी जी, 240 रुपए का है। ओके। जामुन का 310 रुपए। मतलब सबका अलग अलग प्राइस रहने वाला है। अलग अलग प्राइस। तो जिसको जिस चीज का चाहिए वो अगर आपको कॉल करेगा तो आप उसे बता देंगे और मिल जाएगा। ओके। तो 100 ग्राम की 100 रुपए की, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, प्राकृतिक आपको मिलने वाला है, एनर्जी बूस्टर है, पेट को सही रखने वाला है, गले के फायदा होने वाला है और साथ ही साथ मजा भी आपको यहाँ पर खाने में आने वाला है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो आपकी बॉडी पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। आपने लड्डू खाए होंगे, आटे के भी खाए होंगे, बाजरे के भी खाए होंगे, सब तरह के खाए होंगे। गवर्नमेंट ने 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को, तो हमने इसके अंदर चीनी को रिप्लेस कर दिया। ओके। चीनी को हटा दिया इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गन्ने के रस की खीर, तो चावल की सब लोगों ने खाई है, लेकिन हमारी मिलेट्स की खीर है, मिलेट्स ड्राई फ्रूट और गन्ने का रस और गाय का देसी गाय का दूध, ओके, उसको मिलाकर बनाइए, बहुत स्वादिष्ट है खाने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोकल कारोबार। लोकल कारोबार घूम रहे सब मुरादाबाद की एग्जीबिशन में, और एग्जीबिशन में हमें बहुत कुछ मिला था, हमने आपको व्लॉग में पूरा दिखाया और हमने आपको बताया था कि किसानों का एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसकी जानकारी लेंगे, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वो सब कुछ जानेंगे। तो उसके लिए हम फिर पहुंच गए किसानों वाले स्टॉल पर और भैया से बात कर लेते, पूरी वीडियो में आपको बताते क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉल लगाया, गवर्नमेंट भी जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइक करने की कोशिश कर रही है, ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि हमारे देश के जो किसान है वो भी मजबूत बने, तो भाई गवर्नमेंट का साथ हमें भी देना है और हमें भी इनके साथ में बात करनी है, काम करना है। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं से जानकारी ले लें, इन्हीं से बात कर लें कि भैया किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके का आपका जो है सेपरेटिंग फैमिली फार्मर के नाम से, मैंने एक यूपी का ग्रुप देखा है, 8 स्टेटों में बता रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान इनसे जुड़े हुए हैं और भी किसानों को जोड़ना चाहते हैं। प्रोडक्ट जो हैं बहुत अच्छे इनके होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, तो पूरी जानकारी अंदर ही चलते हैं और भैया से ही ले लेते हैं। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और भैया के पास बैठ गए और भैया से ही पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में, फिर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और कैसे आप इनको अपने पास मंगवा सकते हैं या आप कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम आरेंद्र बुड़बोती है और बिलारी का रहने वाला हूँ मैं। मुरादाबाद के अंदर हम लोगों ने लगभग 16-17 से ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो तमाम तरह की परेशानियां सामने आईं, उन परेशानियों को झेलने के बाद थोड़ा खड़ा होना शुरू हुआ था, तभी कोरोना आ गया जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई। फिर 2022 से हमने दोबारा हिम्मत की और अपने फार्म पर दोबारा खेती चालू की इसकी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तभी हमारी मुलाकात होती है सेलिब्रेटिंग फार्मर से के नाम से काम करने वाले अम्बाला के श्री विपिन सरीन जी से। वो किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे कि वो कैसे अपने उत्पाद को अपने फार्म से ही प्रोसेस करके डायरेक्ट उपभोक्ता को दें। उनके संपर्क में आने के बाद में हमने सीखा, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, सुबह को शाम को दोनों दिन ट्रेनिंग होती हैं, बृहस्पति को और मंगलवार को दो स्पेशल सेशन होते हैं उसके ट्रेनिंग के, गूगल मीट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। उसे सीखने के बाद हमने अपने फार्म से ही उत्पादों का प्रोसेसिंग शुरू की और मार्केट में उतरे। हमारे साथ वो प्रोडक्ट जो चुना था उन्होंने गन्ना चुना था, गन्ने की ये बेल्ट है, हमको भी पसंद आया वो, तो उनका जो सिस्टम था हमने उसको पकड़ा। उसके साथ साथ हमारी वेजिटेबल्स भी चलती थी, वेजिटेबल्स को लेके हमने बिलारी के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप से हम ऑर्डर लेते थे और घर जाकर फ्री डिलीवरी देते थे। फिर उसके जब बिलारी में चर्चा में आए हम लोग, कृषि विभाग के लोग पहले दिन से जब दोबारा हमने रिस्टार्ट किया, कृषि विभाग की लोकल जो कृषि रक्षा इकाई है वहाँ के कर्मचारी विशेष तौर से मोहित गंगवार जी, वो हमारे साथ लगातार रहे, हम लोगों को एजुकेट करते रहे एग्रीकल्चर के बारे में, जो ऑर्गेनिक में फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में। वहाँ से हमारी शुरुआत बढ़ते बढ़ते आई, जिले पर हमारा नाम आया, मुरादाबाद में हमारी डिमांड बढ़ी। मुरादाबाद में जो भी हम प्रोग्राम ये सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो जिला कृषि अधिकारी महोदय तीर्थ उषा तिवारी जी और जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री JP चौधरी जी, उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। आज उन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ कृषि प्रदर्शनी में बैठे हुए हैं, आप हमारे बैनर पर देखते होंगे, सहयोग कृषि विभाग मुरादाबाद। ओके। सहयोग उन लोगों का भरपूर सहयोग है हमारे साथ,
और पिछले एक साल से बिलारी में मुरादाबाद में हम लोग लगातार सप्लाई दे रहे हैं कस्टमर्स को। व्हाट्सएप पर ऑर्डर आता है, मुरादाबाद में हम डिलीवरी चार्ज करते हैं, बिलारी में डिलीवरी लोकल है, फ्री रहती है। इसके साथ साथ जब गन्ने के ऊपर बात आती है तो गन्ने के ऊपर हमने काम शुरू किया ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर विपिन सरीन जी से, वो CFEI सेल्यूटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किसानों की एक कंपनी बनाई उन्होंने, जिसमें 8 राज्यों में कई सौ किसान जुड़े हुए हैं। वो हर स्टेट में, अब जो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, और अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टीमें बनी हुई है। लगभग कितने अभी किसान आपके साथ जुड़े होंगे? लगभग 350 किसान एक्टिव हैं, जुड़े हुए तो काफी लोग हैं, लेकिन एक्टिव काम करने वाले हैं लगभग 350 किसान। तो अभी भी आप चाहते हैं कि और किसान आपसे जुड़े और आपका आगे बढ़े? जी लगातार लगातार। अगर जुड़ना कोई चाहता है तो क्या नंबर, ये जो नंबर आपने दिए हुए हैं, ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं 8954 6। एक बार नंबर को जो है जूम करके दिखा दिया जाए, ये नंबर से अगर किसान आपसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। जी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे जो ग्रुप ने पूरा नंबर यही नंबर निकाला हुआ है, इसी नंबर से उत्तर प्रदेश में जो भी किसान है वो जुड़ेंगे। और अब आने वाले समय में हम लोग जैसे मेले से निपट जाएंगे तो मुरादाबाद में भी अपना और दायरा बढ़ाएंगे। कुछ कस्टमर्स जो यहाँ आए हैं, लगभग 250 कस्टमर हमारे लिस्टिंग में है जो हमसे कनेक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए भी हम सप्लाई की व्यवस्था मुरादाबाद में करेंगे। और अगर कोई ऑनलाइन चाहता है तो ऑनलाइन भी आपसे वो ऑर्डर कर सकता है? ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते। नंबर कौन सा रहेगा? नंबर सेम नंबर, इसी नंबर पे आप ऑर्डर बुक करके डिलीवर करवा दीजिए, जो भी चार्जेस होगा वो एक्स्ट्रा देना होगा। तो अभी अगर मैं बात करूं तो कितने तरीके, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है? अभी हमारे पास गन्ने की हर्बल चाय, गन्ने की चुस्की, गन्ने की चटनी और गन्ने के मिलेट्स के बने हुए लड्डू, गन्ने की मिलेट्स की बनी हुई खीर और गन्ने से बना हुआ सिरका, इतनी चीजें अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके अलावा ये स्क्वैशेस वगैरह मुझे दिख रहे हैं, ये हमारी तरह एक किसान है जयपुर से, वो अपने शरबत बनाते हैं नेचुरल तरीके से। तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे जयपुर के किसान का भी सामान रखा है, सीतापुर के किसान का भी सामान रखा है, बरेली के एक किसान का सामान जो है सबका साथ लेकर चलने का जो है वो काम यहाँ पर हो रहा है। जो वो कहीं जाते होंगे तो वो भी जो है सारे किसान, तो मतलब किसान तो एक ही है। तो भैया बस एरिया के वाइज थे, तो वो जो लोग बनाते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो आपके प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और बताएंगे, देखिए इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी दे देंगे। तो ये जो हर्बल टी है अगर इसकी बात करें तो ये तो आप बनाकर आप पिला रहे हो, तो कुछ ऐसा भी है कि हम घर पे ले आ सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा भी कोई? इसको मैं दिखाता हूँ। जी जी चलिए आइए देख लेते हैं। ये हमने गन्ने के जूस को फ्रोजन किया है। ठीक है। जब गन्ने का जूस निकालते हैं उसी समय जमा दिया, इसमें पैक करके रख देते हैं डीप फ्रीजर में, ये फ्रोजन हो गया। इस फ्रोजन जूस को हम जब हम चाय बनाते हैं, इसमें से हमने इंडक्शन के ऊपर भगोने के अंदर रखा, इसको हमने गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद उबाल लिया इसको, उबालने के बाद जो इसमें मैल आता है हल्का सा उसको निकाल दिया। उस मैल को निकालने के बाद हमारे पास हर्बल मसाला है, जामुन बेस्ड है वो। उस हर्बल मसाले को हम इसमें डालते हैं, एक खोला लगाया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, इसको लिया जाता है। हाँ, उसको छान के हमने इसमें इसके अंदर कर दिया। वो अगले मसाला भी आप जो प्रोवाइड करवा देगा अगर कुछ आएगा तो वो मिलने वाला है, मसाला भी मिल जाएगा, फ्रोजन भी मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर बात करें हम मसाले की तो बोला किस रेट में मसाला आता है, क्या साइज रहता है? वो मसाला जो है हम 40 रुपए का 50 ग्राम देते हैं, 50 ग्राम हर्बल मसाला है वो, हर्बल औषधि है उसके अंदर। इसके अंदर हमने उसको तैयार करके लिया है। अब मैं ये आपको बनाकर हम ये पियेंगे और पीकर देखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले आपके पास मैंने चुस्की वगैरह अभी आपने बताया, चुस्की भी गन्ने की, मैं चाहूंगा पहले गन्ने की जो चुस्की है उसका लुत्फ ले लें, चाय क्योंकि गर्म होती है ये हम बाद में लेंगे, पहले गन्ने की चुस्की का लुत्फ लेकर देखते हैं और आपको बता रहे टेस्ट उसका क्या होने वाला है। ये गन्ने की चुस्की हम अपने पास हमारे मोल्ड डीप फ्रिज के अंदर जमाते हैं टोटल हाइजेनिक तरीके से। अच्छा, ये बनाई जाती है जूस से ही? बनाई जाती है गन्ने के जूस से। इसके अंदर गन्ने का जूस और मैंगो का पल्प डालते हैं। मैंगो पल्प और गन्ने का जूस के साथ मिलाकर ये बनती है। वाह यार, आप देख सकते हो ये यहाँ पर कुल्फी जो है मैंने निकाल लिया है, मेरे मुंह पानी आ रहा तो मैं एक बाइट ले लेता हूँ, लेकर देख लेता हूँ इसे।
थोड़ा अलग टेस्ट है, लेकिन गर्मियों में राहत पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया है, हाइजीनिक है और ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको ये फ़ायदा देने वाली, नुकसान किसी तरीका पहुंचने वाला नहीं है। ज़्यादा अगर ठंडी है वो तो सही है, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ में ऐसी इसमें नहीं। कुछ नहीं, केवल सिंपल ऑर्गेनिक गन्ने का जूस और इसके अंदर जो मैंगो पल्प है वो भी ऑर्गेनिक है। ये हमारे जो मैंगो मंगाए थे हमने आंध्र प्रदेश से, हमारे किसान हैं जी जी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं मैंगो की जी जी, उन्होंने वहाँ से हमारे एक दुकान जो आउटलेट जो है उसे इंस्टीट्यूट में दिल्ली में किसान बाजार में हमारे हम लोगों का एक आउटलेट भी है वहाँ पर। ओके, वहाँ से आंध्र प्रदेश से वहाँ आया, वहाँ से हमारे पास आया। ओके, तो टोटल 100% ऑर्गेनिक है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई केमिकल या हार्मफुल केमिकल इसमें आपको कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिलाई है। अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट तो वाकई में अमेजिंग है इसका, बहुत अच्छा है। उसके अलावा इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ तो हम टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये टेस्ट करा है। अभी थोड़ी देर बाद हम चाय टेस्ट करेंगे, उसके अलावा आपके पास क्या क्या और है पहले वो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये गन्ने की चटनी है। ओके, गन्ने की चटनी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ये क्या क्या मतलब फ़ायदे क्या रहते हैं इससे, थोड़े से फायदे बताइए। गन्ने की चटनी जो है आपको टेस्ट कराता हूँ मैं, थोड़ी सी टेस्ट करके देखिए आप। तो गन्ने की चटनी का टेस्ट करने आ रहा हूँ, अमेजिंग मज़ा है। मसाले वगैरह भी इसमें पड़े हुए हैं मुझे लगता है। इसके अंदर गन्ने का रस, इमली और 15 तरीके के मसाले। मसाले ये आपके खाने, इसको खाएंगे तो आपका डाइजेशन सही रखेंगे और आपके लीवर को सही रखेंगे, गले में फ़ायदा देंगे। ओके, हिंदुस्तान में चटनी स्वाद के लिए खाई जाती है जी। ये स्वाद के साथ साथ आपकी आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी और ये एक तरह से समझिए इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। इसका एक और विशेष फायदा है जी, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, कार्बोनेट ड्रिंक पीते हैं लोग एनर्जी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी और आपको एनर्जी बूस्ट। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी बूस्ट होगी और किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है बॉडी पर। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को एक गिलास में एक चम्मच आप घोल के दे देंगे जी, तो किसी और पेय पदार्थ की एनर्जी ड्रिंक की लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप प्राइस की बात करो तो ये जो साइज है ये 100 ग्राम की 100 रुपए की। ओके, तो 100 ग्राम की 100 रुपए की, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, प्राकृतिक आपको मिलने वाला है, एनर्जी बूस्टर है, पेट को सही रखने वाला है, गले का फायदा होने वाला है और साथ ही साथ मज़ा भी आपको यहाँ पर खाने में आने वाला है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आपकी बॉडी पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुँचाएगा। अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, शहद वगैरह भी आपने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये किसी और के अपने मधुमक्खी के बॉक्सेज हैं उसी के इन्होंने आपने रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग पेड़ों से जो लिए गए हैं वो शहद हैं। अगर हम शहद की बात करें प्राइस क्या रहता है आपका? ये प्राइस ये है कि जो ये हमारे 600 ग्राम का पैक है यूकेलिप्टस का जी 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 240 रुपए का है। ओके, जामुन का 310 रुपए, मतलब सबका अलग अलग प्राइस रहने वाला है। तो जिसको जिस चीज़ का चाहिए वो अगर आपको कॉल करेगा तो आप उसे बता देंगे और मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दे। तो यहाँ पे चटनी जो है गन्ने की चटनी होगी, इसमें दो साइज आते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ओके, आपने लड्डू खाए होंगे, आटे के भी खाए होंगे, बाजरे के भी खाए होंगे, संतरे के खाए होंगे। गवर्नमेंट ने 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को, तो हमने इसके अंदर चीनी को रिप्लेस कर दिया। ओके, चीनी को हटा दिया इसके अंदर, इसके अंदर गन्ने के रस से ये मिलेट्स के लड्डू बनाए हैं हमने। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स मोटा अनाज से 70 साल पहले खाया जाता था। ओके ओके ओके, वो दोबारा से चलन में आ गया और वो जो है पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदा। गाय का देसी घी, ओके, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और गन्ने का रस, मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं है इसमें। जी जी, मजा आने वाला है, ताकत मिलने वाली है। अगर इस बॉक्स की हम वैल्यू की बात करें, क्या वैल्यू होने वाली? 160 रुपए का है और इसमें 200 ग्राम, और अगर मैं पीसेस की बात करूँ तो लगभग 8 पीस जो है इसमें आपको लड्डू के मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट है गन्ने के रस की खीर, तो चावल की सब लोगों ने खाई है, लेकिन हमारी मिलेट्स की खीर, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट और गन्ने का रस, तो गाय का देसी गाय का दूध, ओके, उसको मिलाकर बनाइए, बहुत स्वादिष्ट है खाने में। ये 100 ग्राम की 40 रुपए की देते हैं। ओके, 50 ग्राम की 20 रुपए मिलती है। चलिए आप आगे आइए। अभी जो मिलेट्स के आइटम हमने दिखाए वो मिलेट्स ही हैं, ये श्री धान्य मिलेट्स है 5। इनको 5 मिलेट्स को इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की जो शरीर में बीमारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं, वो निकल जाती है और नई बीमारी पास नहीं आती। ओके, डॉक्टर खादर वाली हैं,
जो इस साल उनको पद्मश्री मिला है, मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने 30-40 साल रिसर्च करने के बाद इन 5 श्री धन्य मिलेट्स को निकाल कर लाए हैं। वाह क्या बात है। उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं को लेकर तो इनको किस किस तरीके से खाया जा सकता है, मतलब कैसे खाने का तरीका अलग है। रोटी नहीं बना, रोटी की बना सकते आप, इसको दलिया के रूप में भी खा सकते हैं, चावल के रूप में भी खा सकते हैं, खिचड़ी के रूप में भी खा सकते हैं, और इनको पीस लें तो किसी भी तरह की खा सकते हैं। मतलब मिलेट्स की अगर हम इसको हम सेवन करते हैं रेगुलर तो बीमारियों को भी ये फायदा पहुंचाते हैं, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है डॉक्टर का, यहाँ पर जो है आप बता रहे हैं कि एक डॉक्टर हैं, क्या नाम है, खादर वली। इस साल उनको पद्मश्री मिला है, उन्होंने इन 5 मिलेट्स को चुनकर यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है कि भैया ये जो है फायदेमंद मिलेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिलेट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर हम प्राइस की बात करें क्या रहने वाले इनके, ये 200 रुपए किलो का कॉम्बो पैक देते हैं जिसमें 5 तरह के मिलेट 200 ग्राम होते हैं। तो इसमें वजन कितना, 200 रुपए का 1 किलो का वजन होता है, 5 इसमें रहने वाले हैं जी। ओके 200 ग्राम के 500 का पैकेट होने वाले। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर और ये हमारे फार्म के अपने प्राकृतिक सरसों का प्राकृतिक तेल है, कोई उसमें न केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, न केमिकल फंगिसाइड है, न केमिकल पेस्टिसाइड है कोई भी। ये चावल है, दालें हैं उसकी, और ये इधर आ जाते हैं हमारे गन्ने का सिरका, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, आंवला सिरका, आंवले का सिरका, एलोवेरा सिरका, ये 5 तरह के सिरके हमारे पास उपलब्ध है। तो इसके भी रेट जो है वो अलग अलग रहने वाले, अलग अलग। गन्ने का 70 रुपए का है, ये सेब का 140 का है, जामुन का 80 रुपए का है, और आंवले का 130 रुपए, एलोवेरा 150 रुपए। 325 ml की पैकिंग, 325 ml की पैकिंग, में ये आपको मिलने वाले हैं। और ऑनलाइन भी आप इनको डिलीवर करते हैं जी। अगर शहर में है, आपके एरिया में है तो फ्री डिलीवरी रहती है। बिलारी में, बिलारी से बाहर कहीं भी करोगे तो जो डिलीवरी चार्ज होगा वो पे करना होगा। ऑनलाइन अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पर दिख रही है और आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं और आप लेना चाहते हैं तो इनका नंबर भी हमने दिया हुआ, उस नंबर पर आप कॉल करके इनसे ऑर्डर दे सकते हैं और वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्या है, ये भी आपका कुछ रखा हुआ है क्या? ये हमारे सीतापुर के किसान है उनका, सीतापुर के किसान है उनका, यहाँ पर आइटम रखे हुए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप वो चीज़ चाहते हैं, स्क्रैचेज वगैरह भी यहाँ पर जो है इन्होंने अभी हमने आपको कैमरे में दिखाए, पूरा जूम करके दिखाया अलग अलग फ्लेवर्स में, ये भी इनके जो है सीतापुर के किसानों का, जयपुर के किसानों का, ये जयपुर के किसानों का स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है जिसमें जो है आंवला, केसर वगैरह आपके जो है, लेमन है आपका, उसके अलावा अलग अलग है, चंदन का शरबत है, गुलाब खास है, बादाम शरबत है, पान शरबत है, और भी कई शरबत जो है यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स में आपको मिलने वाले हैं। ये जो यहाँ पर जो भी कुछ भी आपको दिख रहा है, चाहे इनका अपना हो, क्योंकि गन्ने का जो है वो इनके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और चाहे और किसानों को, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनिक होने वाला है। तो भैया चाय की हमने बात करी कि लास्ट में चाय पीकर जरूर जाएंगे और इसका टेस्ट जरूर आपको बताएंगे, तो चाय हम भैया से कहते हैं बनाकर भैया हमें देंगे, उसे हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ऑर्गेनिक चाय जो है, क्योंकि रात में तो पीने की सबको आदत होती है चाय पीने की, भैया चाय पीकर सोएं, गलत मत समझिए, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, रात में चाय पीने की बहुत लोग आदत होती है और मुझे भी बहुत ज्यादा आदत है चाय पीकर ही मैं सोता हूं, तो क्यों ना उस चाय को इससे रिप्लेस कर दिया जाए और ऑर्गेनिक चाय को पीकर सोया जाए जिससे कि आपकी बॉडी पर किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि चाय को पीने को रात को मना करते हैं और नुकसान बताते हैं कि नुकसान होते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक चाय कैसी है इसको ट्राई करूं। भैया मसाला आपने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नींबू आपने डाला है, थोड़ा काला नमक और थोड़ा काला नमक डाला, साथ में आपने ये चाय डाल दी, तो मैं आपको टेस्ट करने वाला हूं, बताने वाला हूं कैसी है। लाजवाब यार, मजा आ गया, अमेजिंग है। और अगर मैं तैयार कप की बात करूं, कितने का आप देते हैं? 10 रुपए का। 10 रुपए का, अगर आप स्टॉल पे विजिट करते हो और आप इनको, आपको ये मिल जाते हैं कई बार, तो मात्र 10 रुपए में ये इतना बड़ा कप जो है आपको ऑर्गेनिक चाय का मात्र 10 रुपए मिलने वाला है। और उसके अलावा अगर आप चाहोगे तो मसाले के पैकेट जो है इनके पास तैयार हैं, जो भी प्रोडक्ट जिससे भी चाय बनती है वो सब आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं, वो आप अपने घर तक बैठे भी मंगा सकते हो और यहाँ से आकर भी ले सकते हो। भैया का नंबर हमने दे दिया, नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हो। चाय का मैं मजा लूंगा, पहले मैं वीडियो को पूरा कर दूँ, उसके बाद मैं चाय को इत्मीनान से बैठकर पीऊंगा, क्योंकि चाय में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ गया। तो भैया मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि किसानों का ये स्टॉल लगा हुआ था, गवर्नमेंट भी इनके साथ बहुत चाहती है कि भैया गवर्नमेंट किसान जो है आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो है प्रॉफिट हो, उनकी जो ऑर्गेनिक हो, साथ ही साथ जो लोग जो उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं उससे बचकर ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ और अपनी सेहत को सही रखें। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है और इसी उद्देश्य से हमने बनाई है कि आपको अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएँ, साथ ही साथ किसानों जो इनकी पहल है उसमें इनको भी थोड़ा सा योगदान मिले और इनका भी जो है काम है वो अच्छा हो जाए, और आपके साथ साथ
सेहत का भी वो ध्यान रखें। इसी तरीके से वीडियोस हम बनाते रहेंगे, जगह जगह घूमते रहेंगे। हम मुरादाबाद हमारा होम टाउन है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी चीज़ आती है उसे हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम प्रदेश में और अलग अलग प्रदेशों में यानी कि पूरे इंडिया में हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह हम जा चुके हैं, अब तक हम 6 स्टेट कवर भी कर चुके हैं और जगह जगह जाकर नई चीज़ें आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि होलसेलर्स को अच्छी चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ अच्छे पैसों में और रीजनेबल रेट्स में अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएँ। इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसी तरीके से हम जगह जगह जाते रहेंगे और आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। आप फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।